फर्जी बैंक कर्मी बनकर लोन वसूलने वाला गिरोह का पर्दाफाश। गिरफ्तार दो युवकों से विभिन्न बैंकों की पासबुक सहित उपकरण जब्त। लोन की फर्जी प्रक्रिया बनाकर करते थे लोगों से ठगी। सिटी थाना पुलिस ने फर्जी बैंक कर्मी बनकर लोन वसूल करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक ऑफ बड़ौदा की चार पासबुक, एवी फाइनेंस की चार पासबुक, एचडीएफसी बैंक की चेकबुक, स्टार्लिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तीन चेकबुक, 13 एटीएम कार्ड, 3 मोहरे, 2 फर्जी पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज हुए बैनर तथा विजिटिंग कार्ड, एक मोटरसाइकिल, एक प्रिंटर बरामद किया है। डीएसपी रला सैनी ने बताया कि 16 मार्च 2019 को परिवादी मसूदा रोड आजाद नगर निवासी सुमन देवड़ा ने एक रिपोर्ट सिटी पुलिस में दी थी कि करीब 1.5 माह पूर्व दो व्यक्ति उनके घर पर आए जिन्होंने अपने आप को एबीपी फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी होना बताया तथा उनसे लोन बकाया होने की बात कहकर लोन जमा करवाने की बात कही। लोन जमा नहीं करवाने की सूरत में उनका मकान कुर्क करने की बात कही तो घबराकर सुमन देवड़ा के परिवारजनों ने उसे 22,000 रुपए का चेक दे दिया, जिसके बाद 16 मार्च 2019 को आरोपी पुन सुमन देवड़ा के घर पहुंचे तथा धमका कर चेक ले गए, जिस पर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद एसपी को राष्ट्रदीप सिंह व ब्यावर डिप्टी हीरालाल सैनी के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक रामेंद्र सिंह हाड़ा ने एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मसूदा रोड स्थित शिव कॉलोनी निवासी अजय कुमार तथा चेतन प्रकाश डासरिया भीम निवासी को गिरफ्तार कर लिया। सैनी ने बताया कि उक्त आरोपी द्वारा एक फर्जी कंपनी एबीपी के नाम से बनाई गई है, वेबसाइट बनाकर लोन की फर्जी प्रक्रिया ऑपरेट करते थे। कल दिनांक 16 को ब्यावर थाने पे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, किसी आजाद नगर की रहने वाली महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ इस तरह की ठगी हुई है। लोन की रिकवरी का नाम लेके 22,000 रुपए का चेक लेके पहले चले गए थे और आज फिर चेक लेने के लिए आ गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद एसपी साहब अजमेर कुमार राष्ट्रदीप जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने, ब्यावर सिटी की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करके फर्जी बैंक कर्मी बनके लोन देने वाले और रिकवरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से प्रिंटर, 3 मोबाइल, विभिन्न बैंकों की चेकबुक्स, एटीएम कार्ड्स, फर्जी दस्तावेज ये बरामद किए हैं। कार्रवाई की जा रही है। अभी दस्तावेज और सामग्रियां जो इन लोगों ने तैयार कर रखी थी वो बरामद की है, पैसा अभी रिकवरी नहीं हुई है। कितने महिलाएं और कितने परिवार उपभोक्ता पीड़ित हैं? अभी 6-7 परिवार सामने आए जिनसे इन्होंने ठगी की है।